क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत का संबंध सिर्फ भगवान कृष्ण से नहीं बल्कि भगवान राम से भी था। मैं बताती हूँ कैसे। जब राम से तो बनाया जा रहा था, तब ये विचार आया कि अगर छोटे पत्थरों की जगह कुछ बड़े पत्थर जैसे कि पर्वत उठाकर ले आए जाएं, तो सेतु जल्दी बन जाएगा। इसी विचार के साथ हनुमान जी हिमालय पर पहुंचते हैं। हिमालय से एक पर्वत उठाते भी हैं, लेकिन उस पर्वत को वो राम सेतु तक ला पाते उससे पहले उनके पास खबर आ जाती है कि अब पर्वत की उस बड़े पत्थर की जरूरत नहीं है। ऐसे में हनुमान जी उस पत्थर को, उस पर्वत को बीच में ही छोड़ देते हैं। तब वो पर्वत कहता है, भगवान ये आप क्या कर रहे हैं, आपने ना मुझे हिमालय में रहने दिया और ना ही भगवान का स्पर्श पाने दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे पर्वत, तुम इंतजार करो, एक युग का इंतजार, उसके बाद तुम्हें भगवान का स्पर्श जरूर मिलेगा। गोवर्धन पर्वत को पूरे एक युग इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस इंतजार का फल देखिए, अब वो भगवान के चरणों के नीचे नहीं आने वाले थे, बल्कि भगवान ने उन्हें अपने शीर्ष से भी ऊपर उठा रखा था। राम सेतु के अनेकों पत्थरों में गुम होकर अपनी पहचान नहीं खोने वाले थे, बल्कि गोवर्धन को सारी दुनिया पूजने और जानने वाली थी। ऐसे ही होता है सब्र और इंतजार का फल। अगर ईश्वर आपको किसी चीज के लिए इंतजार करा रहा है, मतलब नतीजे बहुत अच्छे मिलने जा रहे हैं।